नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। गोटा के सर्वधांक में महिला ने लगाई फांसी। बुरड माहौल में शराब छपटी और भट्टे पर मारा गया छापा। मामूली विवाद में हुई चाकू से किए गए हमले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोटा के सर्वधार गृह में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। चश्मोरी के तहसील के ग्राम घोटा स्थित मातोश्री सभागृह में आश्चर्य प्राप्त ग्रामीण मुख्यालय निवासी सोनाली निराश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 7 जुलाई को शाम 7:30 बजे के दौरान हुई। सरोनी निराश का पति दीपक के साथ कुछ विवाद चल रहा था। अंततः उसने 19 मई 2024 से घोटा में लोक मंगल स्थान द्वारा संचालित मातोश्री सभागृह में अक्षय मांगा था। रविवार को शाम की प्रार्थना का समय हुआ तो उसे कमरे से बाहर बुलाया गया, लेकिन वह तबीयत ठीक नहीं होकर प्रार्थना के लिए नहीं आई। इसी दौरान उसने अपने कमरे में फुंके से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब अन्य महिलाएं खाना खाने के लिए उसे बुलाने के लिए गई, तब कमरे में वह घटना उजागर हुई। सिस्टर मोलिन ने घोट पुलिस सहायता केंद्र सूचना को दी। मामले की जांच आगे चल रही है। उप निरीक्षक लाल बहादुर मातोश्री आगे की जांच कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बुरड मोहल्ले में शराब भट्टी पर हुआ छापा मारा। वर्धा में शराब के बुरड मोहल्ले में पुलिस ने छापा मारकर जहरीली मधुआ शराब की भट्टी को नष्ट कर दिया गया है। यह कार्रवाई वर्धा पुलिस ने 6 तारीख को की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि इतवारी परिसर में जहरीली शराब बचाने का काम चल रहा है। जब पुलिस ने छापा मारा तो उन्हें एक काले ड्रम में बेशक की गीली घास के साथ साथ 600 लीटर उबलता महुआ की शराब मिली। पुलिस के कुल मिलाकर 2,11,000 रुपए का माल जब्त किया गया और साथ ही इसे नष्ट कर दिया गया। इसी घटना में दारू विक्रेता कंजर मोहल्ला निवासी मनीष पाल, सीमा पाल, नरेंद्र शिंदे निवासी के खिलाफ भारतीय न्याय संहित कलम 123(3)(5)(65) मदाकना धारा के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही वर्धा में ऐसी देशी शराब का प्रमाण पत्र ज्यादा देर तक नहीं दिया जाता। इस विषय का प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्यवाही भी की जाती है। शहर के महिला अस्पताल का शराब भट्टी का फाइल फोटो सटी झोपड़पट्टी परिसर में खुले आम शराब का धंधा चल रहा था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मामूली विवाद में चाकू से किया गया हमला। वर्धा में मामूली बात पर हुए विवाद में मित्र ने मित्र पर चाकू से हमला कर दिया। ऐसे में गंभीर रूप से घायल मित्र, यह घटना ICT टेकर परिसर में हुई। जानकारी अनुसार प्रताप नगर निवासी 17 वर्षीय किशोरी के घर मातोश्री बुआ संदीप नगर परिसर निवासी युवक अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा था। नाबालिग को साथ लेकर वे सभी ICT टेकड़ी परिसर पहुंचे, जहां मोदित ने किशोर से विवाद किया। नाबालिग द्वारा उसे विवाद को समझाने के दौरान उसे युवक ने अपने हाथ पर चाकू से वार कर दिया। आसपास खड़े लोगों ने बीच बचाव करने वाला मामला सुलझाया। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे YouTube लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक शॉर्ट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।